ये सारा केस सबूत और गवाहियों के सेंटर में दरअसल विद्या क्लिनिक और डॉक्टर शहनाज थी। उन्हीं की गवाही इस केस का फैसला करती और वही हुआ भी। मिसेस अर्चना और मिस्टर राहुल को इस बात का यकीन था कि डॉक्टर शहनाज उनके पक्ष में गवाही देंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, तमाम सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद अदालत के सामने जो सच्चाई आई है कि मिस्टर विश्वजीत ने अपनी पत्नी अर्चना पर जो आरोप लगाया था वो बेबुनियाद नहीं था। हकीकत ये है कि मिसेस अर्चना ने अपने पति को अंधेरे में रखा और उनके पूरी तरह से कैपेबल होने के बावजूद अपनी मर्जी से बिना उन्हें बताए आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कराया। लिहाजा ये अदालत मिस्टर विश्वजीत की डाइवोर्स की अपील मानती है और विश्वजीत अर्चना का डाइवोर्स मंजूर करती है। मिसेस रेनु और डॉक्टर शहनाज, इन्होंने भी धोखाधड़ी की है, झूठी गवाही देने, झूठ बोलने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में मिसेस रेणु को 20,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। अर्चना की प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए अदालत उन पर सिर्फ जुर्माना करती है 20,000 रुपये। डॉक्टर शहनाज भी इस धोखाधड़ी में शामिल थी, लिहाजा 4 साल के लिए उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है और उन्हें 10,000 का जुर्माना भी भरना होगा। आंटी गोली ले लीजिए, खुश हो जाइए। रहने दे बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो बस ऐसे आंखें बंद किए लेती हूँ। कैसी तबीयत है माँ? जिंदा हूँ बेटा, तुम्हें खुश देखने के लिए। ऐसे क्यों कह रही हो माँ? बेटे, एक माँ सब कुछ सह सकती है पर अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकती। मैं दुखी कहाँ हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल। माँ अपनी औलाद को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है, वो उसकी एक एक हरकत से वाकिफ हो जाती है। मुझे सब मालूम है तू कब दुखी होता है कब खुश। माँ, मैं वादा करता हूँ आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी वजह से पहले ही आपको बहुत दुख पहुंचा है। मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। जब तू दुखी होता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी का सारा संघर्ष बेकार हो गया। कल जब तू नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये लड़की ने मुझे संभाला, ये नहीं होती तो कुछ और भी हो सकता था। माँ, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं हर वो चीज भुला दूंगा जिसकी वजह से आपको दुख होता है। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आज के बाद आप ज्यादा नहीं सोचेंगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगी। माँ, बस तू खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। मैं खुश रहूंगा माँ, खुश रहूंगा। आंटी,
ये क्या? डॉक्टर ने मना किया है ना टेंशन लेने के लिए? बस तुम्हारा ही सहारा है बेटा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आंचल, आज मैं बहुत खुश हूं। इस न्याय के मंदिर में मेरे साथ सचमुच न्याय हुआ है, और ये सब तुम्हारी वजह से। हाँ, तुमने उस वक्त मुझ पर यकीन किया जब सारी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी। क्योंकि मैं जानती थी कि आप सच बोल रहे थे भैया, मैं जानती थी। मुबारक हो मैडम, लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि आप ये केस हार जाएंगी, लेकिन आप तो ये केस जीत गईं। बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुझे पता चला कि सच्चाई की राह पर कांटे भले ही हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुम ये केस कैसे जीती हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने ये केस सच्चाई के बल पर जीता है। सच्चाई? यही है तुम्हारी सच्चाई कि डॉक्टर शहनाज को खरीद लिया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुमने डॉक्टर शहनाज को नहीं खरीदा तो वो औरत जो आज तक ये कह रही थी कि किसी ने उसके लेटरहेड्स चुराए और मेरी झूठी रिपोर्ट उस पर छापी और मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कराया, आज कैसे कुछ और कह सकती है? शायद उनका जमीर ऐन मौके पर जाग गया, या फिर ऐन मौके पर तुमने उसे खरीद लिया। आप जो चाहे समझ लें। हाँ, समझ तो मैं गया हूँ। आज धोखे से या कैसे ये केस तुम जीत चुके, लेकिन एक बात याद रखो, हमारा केस अब आने वाला। जिस तरह से तुमने ये केस जीता है ना, अब उसी तरह से मैं हमारा केस जीत कर दिखाऊंगा। शुभ बेटी, कहाँ चली गई हो? वापस क्यों नहीं आती? किस बात की अपनी मां को सजा दे रही हो? बेटी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हेलो, हाँ हाँ बेटी, शुभ, शुभांगनी बोलो। मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। शुभंगिनी, तुम बात क्यों नहीं करती? किस मुसीबत में हो? देखिए, शुभंगिनी का फोन है। हाँ, आपको तो यकीन नहीं आता ना मेरी बात का? लीजिए, उससे बात कीजिए। हेलो, 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 कोई बात ही नहीं कर रहा? देखिए, अब आप अपने दिमाग पर हद से ज्यादा जोर डाल रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है मिसेस पाटिल। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आपके दिमाग पर किसी भी तरह का जोर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप हैं कि बात को मानती ही नहीं। डॉक्टर की बात छोड़िए, मेरी बेटी। मिसेस पाटिल, आपकी बेटी मर चुकी है।
मैं कब से आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात का आप पर कोई असर ही नहीं होता। अरे अगर आपकी बेटी जिंदा होती, अगर वो आपको फोन करती है तो मिलने क्यों नहीं आती? ये सब आपका वहम है। मैं तो समझा समझा कर थक गया, लेकिन आप है कि बात को समझती ही नहीं। अरे ऐसी ही हरकत आप करती रहेंगी ना तो आपको पागल खाने में डलवाना पड़ेगा। देखा देखा लोग क्या क्या कहते हैं, मुझे मुझे पागल कहते हैं। नहीं बेटी, तेरी जुदाई ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तू वापस चली आ शिवांगनी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। तू अगर जिंदा है तो वापस चली आ, वापस चली आ मेरी बेटी। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे मन से इतना बड़ा बोझ उतर गया। आज मुझे अर्चना से भैया, भले ही हम जीत गए लेकिन लेकिन हार तो दो परिवारों की हुई है। दो परिवारों के बीच बात को सुलझाने के लिए हमें अदालत तक जाना पड़ा। कितने शर्म की बात है ये। आप अपनी पत्नी से अलग हो गए और राहुल और मेरे बीच दरार और भी बढ़ गई। अरे तुम्हें तुम्हें पछतावा हो रहा है? अंचल, मैंने पहले ही कहा था ये केस वापस ले लेते हैं। नहीं भैया, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने ही आपसे कहा था ना कि आप ये केस वापस नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जानती थी आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। मैं तो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। हालात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत से तलाक देखे हैं, लेकिन हर बार मैंने यही देखा है कि तलाक से कभी कोई खुश नहीं रहता। आज मुझे अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि ये सब मेरे भाई के साथ हो रहा है। नहीं आंचल, मैं जिन हालात से गुजर रहा था ऐसे में इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या? ये डॉक्टर शहनाज जो जो हमारा साथ नहीं दे रही थी, ये अचानक रातों रात बदल कैसे गई? हाँ, जो हमारी हर सही बात को झूठा कह रही थी, इसने कोर्ट में सच कहकर अपने आप का नुकसान करवाया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया? ये सोचकर खुश हो जाइए भैया कि भगवान ने उन्हें सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखा दिया। और मैंने आपसे कहा था ना कि अंत में जीत सिर्फ सच्चाई की होगी, बस ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर, मैडम दरवाजा खोलिए मैडम। अरे हाँ कौन है? ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे जिसकी जान को खतरा हो वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? इसीलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने क्या ठीक नहीं किया? अरे आपने पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे बारे में ये क्यों बताया कि मैंने ही सुरेखा के एक्सीडेंट के बारे में सारी डिटेल आपको दी थी? हाँ, जो CBI अफसर अमरीश मुझे मिला था, कहने लगा जो कहना है पुलिस को कहो, रेडियो स्टेशन के लोग देश में जुर्म की खोज भी नहीं करते। वो तो यहां तक कह रहा था कि अब मैं अगर आपसे मिला ना तो वो मुझे सीधा अरेस्ट कर लेगा।
आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने आप पर यकीन किया और आपने? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने किसी पुलिस वाले को नहीं बताया या फिर किसी अमरीश को नहीं बताया जो सीबीआई का आदमी। आप झूठ बोल रही हैं। अमरीश को सब मालूम है। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। आपने अपने फायदे के लिए मेरी जान पर खतरा बढ़ा दिया। पुलिस को और अमरीश को किसने बताई होगी? ये बात किसने बताई होगी कि मैं इस आदमी से मिलती हूं? मामा, मैं कहां जाऊं? क्या करूं मैं मामा? मेरी तो किस्मत ही खराब है। वरना एक बेटी शादी के बाद अपने मायके में माँ बाप पर बोझ बनकर क्यों रहेगी? मामा, मैं विश्वजीत से तलाक कभी नहीं चाहती थी, लेकिन वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। अगर अगर उसको मुझसे छुटकारा ही चाहिए था तो साफ साफ कह देता। मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाने की क्या जरूरत थी मामा? तलाक तो दे ही दिया, मुझ पर कलंक भी लगा दिया। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी मम्मा? मेरी तो तकदीर ही खराब है। वरना वो डॉक्टर जो आखिर तक हमारा साथ दे रही थी, लास्ट में ही वो बदल क्यों जाती? मुझे रोना बंद कर अर्जुन। ये डॉक्टर शहनाज की बात तो कानूनी खेल है। उसको खरीदा गया, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरी सब्र का बहुत इम्तिहान ले चुके हैं वो लोग। मेरी बहन पर कीचड़ उछाला है उन लोगों ने। अब देखना मैं भी उनकी बहन के साथ क्या करता हूं। राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या? मेरी बात मानो, आंचल को समझा बुझाकर घर वापस ले आओ। जब मेरी माँ ही मुझे गलत समझती है तो मैं और किसी को क्या दोष दूं? तुम चुप रहो अर्चना, ये तुम्हारी बात नहीं हो रही, अंचल की बात है और दोनों मुद्दे अलग हैं। राहुल बेटा, मुझे भी लगता है गायत्री ठीक कह रही है। हाँ, इस घर में सिर्फ मैं गलत कह रही हूँ, बाकी सब ठीक कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? अगर बगैर किसी गलती के हम लोग ने ऐसा किया तो ये हमारी हार है। रिश्तों में हार जीत का सवाल कहाँ पैदा होता है बेटा? और फिर तुम जो आंचल के साथ कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना कि विश्वजीत ने वही सलूक तुम्हारी बहन के साथ किया? अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं, विश्वजीत ने जो किया वो सही किया? मैं वो नहीं कह रहा हूं। आपकी बात से मतलब तो ये निकल रहा है डैड। और ये मत भूलिए कि आंचल ने भी बहुत कुछ छुपाया हमसे। उसकी मां जिंदा है ये छुपाया उसने, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुका था उसकी मां के ये छुपाया उसने, जब वो चाहती मदद लेती अपनी मां से ये भी छुपाया उसने। और इस सब के बावजूद मैं उसे वापस बुला लू। उन लोगों ने मेरी बहन के साथ जो किया ये मैं कभी नहीं भूल सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।